तो हेलो गाइस, मेरा नाम जहीर एंड आप देख रहे हैं तुम्हारे भाई का चैनल ट्रिक्स एंड टिप्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहता हूं। तो बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया में टिकटॉक वापस आ रहा है। 22 जुलाई को इंडिया में टिकटॉक वापस आ रहा है। ऐसा आप इंडिया की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि 22 जुलाई को इंडिया में टिकटॉक वापस आएगा और इंडियन गवर्नमेंट 70 क्वेश्चंस पूछेगी टिकटॉक से और टिकटॉक को उसके आंसर देने होंगे, तभी इंडिया में टिकटॉक वापस आ पाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि टिकटॉक 70 क्वेश्चंस के आंसर दे देगा और 22 जुलाई को आ जाएगा। अगर आपको पूरा जानना है तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं जाके कैसे कैसे वो पूरा प्रोसीजर आप पढ़ सकते हैं और मुझे बताना पढ़ के आपको कैसा लगा। और आप कह रहे थे कि आपने हमें बताया कि आप यूट्यूब पर आ जाइए और आप रील्स पर आ जाइए, तो अब तो टिकटॉक वापस आ रहा है तो अब हमें क्या रील्स पे वीडियो बनानी बंद कर देनी चाहिए या यूट्यूब पर हमें छोड़ देना चाहिए? तो इसके सारे आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। तो मैं कहता हूँ आपको, आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाना चाहिए, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं, आपको इंस्टाग्राम पर भी, टिकटॉक पर भी और यूट्यूब पर भी, ये तीन प्लेटफॉर्म पर आपको वीडियो बनानी चाहिए। क्योंकि जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म होंगे उतने ज़्यादा आपके वायरल के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर टिकटॉक बैन हो तो इंस्टाग्राम है, कभी भी कोई भी ऐप बैन हो सकता है, ये कुछ मेंशन नहीं है। तो आप जितने ज़्यादा ऐप्स पर आएंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐप्स पर आ जाइए, लिट डॉट भी आ जाइए, चिंगारी पर भी आ जाइए, सभी ऐप्स पर आ जाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यूट्यूब क्विट मत कीजिए, आप यूट्यूब पे भी रहिए और टिकटॉक पे भी रहिए और इंस्टाग्राम पर भी। तो काफ़ी सारे मैंने यूट्यूबर्स देखे थे पहले जो टिकटॉक पर भी थे और यूट्यूब पर भी थे, उनसे उनकी दोनों की पब्लिक बन रही थी। टिकटॉक ने 60 मिलियन प्लस वीडियोस को डिलीट किया था जब पहले वो बैन हुआ था टिकटॉक, और अभी के लिए तो 70 क्वेश्चन हमारी इंडिया गवर्नमेंट पूछेगी तो टिकटॉक तो आंसर दे ही देगी, ये मुझे 100% विश्वास है। तो आप इस न्यूज़ से खुश हैं या दुखी हैं मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। और आप टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे या नहीं, आपके कितने फॉलोवर्स थे करंट पहले, तो आप अभी कमेंट कीजिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और सबको मैं हर्ट भी देता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।